ने अपनी 10 मिनट का हम लोग को टाइम दी थी, उसमें फिर वो लोग अपना फोर्स लेकर के आ गई है यहाँ पे हम लोग को रोकने के लिए। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की ओर से बुधवार को झारखंड सचिवालय का घेराव किया गया। सचिवालय घेराव करने जा रहे पंचायत स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को धुरवा गोल चक्कर पर ही रोक दिया गया। पढ़ने तो नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन ने अपनी 10 मिनट का हम लोग को टाइम दी थी, उसमें फिर वो लोग अपना फोर्स लेकर के आ गई है यहाँ पे हम लोग को रोकने के लिए। इस दौरान आंदोलन कर रहे पंचायत स्वयं सेवकों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। बता दें कि स्वयंसेवक करीब 3 महीने से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। वे स्वयं सेवकों के समायोजन स्थायीकरण करने, स्वयं सेवकों का नाम बदल कर पंचायत सहायक करने, मानदेय लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल से मिल रहा है, जब ये सरकार सत्ता में आने वाली थी ना, तो हम लोगों को वार्ता थी कि मेरा सरकार बनेगा तो हम आप लोगों का समायोजन करेंगे। उसके बाद इस सरकार के कार्यकाल में हम लोग बीते 4 साल से लगातार हम लोग अपने मांगों से अवगत करा रहे हैं, और ये सरकार 4 साल से बोल रही है कि संज्ञान में है, संज्ञान में ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। हम ये समझ गए, अब इनको हम लोग अपना ऐसा का परिचय आप दिखा के रहेंगे। आज हम लोग 18,000 की संख्या में आने वाले हैं, अभी कुछ लोग अभी रास्ते में है, वो लोग भी अभी पहुँच रहे हैं। आज पूरा सभी पिछले 4 सालों से वेतनमान और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है।